नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप एग्जॉस्ट कूलर के जो है बैरिंग बदल रहे हैं और आपने उसकी वाइंडिंग कर दी है, बैरिंग दोनों बैरिंग बदल दिए हैं और कुछ टाइम बाद क्या होता है, दोनों बैरिंग में से कोई एक बैरिंग जाम हो जाती है और आपकी मोटर जल जाती है। आप फिर से वाइंडिंग करते हैं, फिर से वही कंपनी का बैरिंग लगाते हैं और फिर से वही समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, चलिए दोस्तों इसके बारे में जानकारी देते हैं और इससे इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी कोई कूलर मोटर जो कि एक ब्रांडेड कूलर मोटर होता है, उसके बेयरिंग कई साल तक चलते हैं, लेकिन हम जब बेयरिंग बदलते हैं वो कुछ ही टाइम, वो एक सीजन भी नहीं पकड़ते हैं या एक सीजन बाद वो ख़राब हो जाते हैं या कुछ महीनों में या एक दो महीने में ही ख़राब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और बेयरिंग के कारण मोटर भी जल जाती है? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है, बेयरिंग की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, जब भी हमारी कूलर की मोटर हो या एग्जॉस्ट कूलर की मोटर हो या कोई भी मोटर हो, तो जब वो चलती है तो हीट होती है मोटर, और मोटर हीट होती है तो जो बेयरिंग होते हैं वो गर्म होने लगते हैं। मोटर हीट होगी तो रोटर भी हीट होगा, रोटर हीट होगा तो बेयरिंग भी गर्म होंगे, और बेयरिंग एक जब चलेंगे तो वैसे ही बेयरिंग की गोलियां गर्म कर देती है बेयरिंग को। जो अच्छी क्वालिटी के बेयरिंग होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के बेयरिंग रहेंगे वो इतने हीट नहीं हो पाते, और हीट होने पर भी वो सही चलने लगते हैं, मतलब वो जाम नहीं होते जल्दी से। लेकिन जो लोकल बेयरिंग होते हैं, जो सस्ते बेयरिंग होते हैं, उसमें यही प्रॉब्लम देखी जाती है कि जाम हो जाता है। देखिए, मैं आपको कुछ बेयरिंग दिखा रहा हूँ, मेरे पास दो बेयरिंग है, देख सकते हैं। ये लोकल बेयरिंग है, अल्फा नाम की कुछ कंपनी है, वो लिखा हुआ है इस पर, HCH के आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड है जिसकी बेयरिंग आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते बेयरिंग आते हैं, और ये जब आप देखेंगे तो बिल्कुल मक्खन चल रहा है, लेकिन ये कुछ ही महीनों बाद ये बेयरिंग क्या हो जाते हैं, हीट होते ही जाम हो जाते हैं। फिर इसमें ग्रीस डालते हैं तो फिर चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से ये मोटर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो इस तरह के बेयरिंग आप बिल्कुल भी मत डालिए। कस्टमर से आप बोल दीजिए, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो बोल दीजिए कि भाई सस्ते बेयरिंग डालूँ, ओरिजिनल ओरिजिनल ऐसे चलेंगे। सस्ते डालने के बाद आप गारंटी बिल्कुल मत दीजिए, नहीं तो मोटर जल जाएगी, ठीक है। तो ये आप बेयरिंग देख सकते हैं, ये वाला बेयरिंग, ये HCH का है, ये लोकल बेयरिंग है, देख सकते हैं ये पूरी तरह से जाम है, हिल भी नहीं रहा है, और ये इसको डाले हुए सिर्फ डेढ़ महीना हुआ है, डेढ़ महीने में ऐसी की तैसी हो गई, साथ में मोटर भी जल गई इस बेयरिंग की वजह से। ये पीछे की साइड लगाया हुआ था, ठीक है, इधर की साइड। तो ज़्यादातर जो बेयरिंग जाम होते हैं, पिछला जो बेयरिंग होता है ज़्यादातर वो जाम होता है, अगला भी हो सकता है, लेकिन पिछला ज़्यादा थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, इस तरह की मोटर, अगर मोटर की आप वाइंडिंग देखेंगे, वाइंडिंग इतनी ज़्यादा हीट नहीं है लेकिन बेयरिंग बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, तो आप इस तरह के बेयरिंग आप यूज़ मत करिए। आपको बढ़िया बेयरिंग बता रहा हूँ कौन से यूज़ करिए। देखिए, मैं कोई किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद काम करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक पुराना बेयरिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इसी मोटर के साथ, जिसका ये रोटर है उसी के साथ था। इस मोटर में कई बार दोस्तों लोकल बेयरिंग डाले गए जो कि जाम हो गए, लेकिन यहाँ पे एक बेयरिंग आप देख सकते हैं, ये NBC का बेयरिंग है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। NBC का बेयरिंग है, ये इसकी अगली साइड लगा हुआ था, लेकिन अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, और देख सकते हैं मक्खन चल रहा है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। कितना पुराना हो गया है, ना तो इसमें ग्रीस करिए कभी, ऐसे ही मक्खन चल रहा है पूरी तरह से बेयरिंग, बेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा बेयरिंग जो हम लोकल डाला, वो डेढ़ महीने में ही ख़राब हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह के आपको बेयरिंग डालने चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप ये बेयरिंग का यूज़ कर सकते हैं, ये बेयरिंग SKF की हैं, देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन चलते और ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। एक में लोहे की आपको ये सील देखने को मिलेगी, एक में आपको रबर की सील देखने को मिलेगी, तो ये दोनों बेयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, अगर आपकी बाइक वगैरह उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, और भी आपकी जितने भी पंखे हैं उसमें अगर यूज़ करेंगे तो ये बेयरिंग काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर मिस्त्री भाई इसका यूज़ नहीं करते और कस्टमर इनके पैसे नहीं देता है।
इसलिए ज़्यादातर डालते नहीं हैं। तो कोई मोटर में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता दो कि भाई इसके बैरिंग की वजह से मोटर जल रही है और हम ये तरह के बैरिंग हम डालेंगे। तो इस मोटर में अब हम एस्केप के बैरिंग चढ़ाने वाले हैं जो कि सालों साल चलेंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे जल्दी से। अगर ये कभी जाम भी हो जाते हैं लाइफ में चल के, तो उसमें ग्रीस वगैरह डाल के फिर से सालों साल चलाया जा सकता है। इसकी गोलियाँ जल्दी से ख़राब नहीं होती, बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है। तो आप एसकेएफ के बेयरिंग लगा सकते हैं, दूसरा एनबीसी के बेयरिंग लगा सकते हैं। मैं दो ही बेयरिंग यूज़ करता हूँ, एनबीसी और एसकेएफ, दोनों बेयरिंग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। एनबीसी देख सकते हैं पुराना बेयरिंग है, घिसा पिटा बेयरिंग है, रबी मक्खन चल रहा है। तो हम एसकेएफ के बेयरिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐसी कंडीशन में। तो आप ऐसी अगर किसी मोटर का आप जो लोकल बेयरिंग है उसी मोटर के अंदर यूज़ करिए जो हीट ना होती हो, ओके। जो मोटर हीट ज़्यादा होती है ऐसी मोटर में बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें, वरना ये बेयरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इनकी गोलियाँ बहुत जल्दी घिस जाती हैं, हीट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी ग्रीस वगैरह जल जाती है फिर। तो आज की वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। बाकी ये बेयरिंग कितने रुपए में पड़ते हैं, क्या क्या प्राइस होते हैं, कौन से ब्रांड का और कितना चलता है, उस पर एक डिटेल अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।